नमस्कार, आप देख रहे हैं सौर भारत और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। आज एनसीसी का एनुअल डे है। जी हां, एनसीसी की स्थापना दिवस है, साथ ही साथ संविधान दिवस के तौर पे एनसीसी बिहार कैडर बिहार झारखंड एनसीसी अपना स्थापना दिवस मना रही है ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना में। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में एनसीसी के कैडेट जवान यहाँ मौजूद हैं। वो एनसीसी के जवान जो एक नई ऊर्जा एक नई उमंग के साथ फौज में जाना चाहते हैं, भारत की सेवा करना चाहते हैं, वो लोग हैं। और साथ ही साथ बीएसएफ के द्वारा भी यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई गई है, हथियारों की प्रदर्शनी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे वो तमाम तरह के हथियार हैं जो बॉर्डर पर यूज़ किए जाते हैं, उन हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। हम लोग कहेंगे ये हथियार को देखाइए, देखिए नाम कहते हैं किस कैसे यूज किया जाता है। पेंट गन है इसका, पेंट गन हम ट्रेनिंग में इस्तेमाल करते हैं। जब हम फायर एंड मूव का ट्रेनिंग देते हैं हम अपने रुकडुकों को, तो उस समय इस गन का इस्तेमाल करते हैं। उसकी हरकत को हम जाहिर करते हैं, तुम शूट किया था इसलिए मैं आपको शूट किया। तो एक बैलून टाइप का उसमें ये होता है, उसमें आप फायर करके देख सकते हैं। अच्छा, कैसे फायर किया जाएगा? कैडरों को दिया जाता है ये हथियार और सिखाया जाता है उन्हें किस तरह से क्या करना है। इस तरह से गोली डाल दी गई, अब इसे शूट किया जाएगा, फायर किया जाएगा। वहाँ पे जो सामने एक स्टैचू बना है उस पर फायर किया जाएगा। 1.5 kg के हथियार एनसीसी कैडरों को दिया जाता है, वो सिखाने और ट्रेनिंग के दौरान दिया जाता है। और भी बहुत सारे हथगोले हैं, दूरबीन हैं और तमाम तरह के, एक जो बम है वो हम दिखाते हैं आपको। एक बम सर, छूले ये देखिए, एक बम है। कितने किलो का है ये? 700 ग्राम की ये बम है। 700 ग्राम, इसमें 100 ग्राम बारूद आती है। इसमें 100 ग्राम बारूद आता था। इसका 32 मीटर रेडियस है क्लीनिंग एरिया। किस जगह यूज किया जाता है ये सर? गन का बंकर को हमको बर्बाद करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रेनेड थ्रो करते हैं। ग्रेनेड ब्लास्ट होता है, उसमें जितने भी होते हैं बर्बाद हो जाते हैं। इसके बाद हम उस पोस्ट को कैप्चर करते हैं। उस पोस्ट को कैप्चर करते हैं। आगे आइए सर, उसके बाद आप देख सकते हैं ये हथगोला जिसे कहते हैं, अपने हिंदी भाषा में हम लोग इसे हथगोला कहते हैं, पर लेकिन क्या कुछ इनके भाषा में कहा जाता है सर वो बताएं, ब्रीफ कर देंगे सर हमें। रॉकेट लॉन्चर है सर ये। हथियार का नाम है 84 mm रॉकेट लॉन्चर Mark III। ये स्वीडन का बना हुआ हथियार है। इसे किस जगह यूज किया जाता है? बॉर्डर पे अभी भी इसे यूज हो रहा है इस हथियार से? इसका इस्तेमाल CIA ऑपरेशन के दौरान भी, अगर किसी घर के अंदर मिलिटेंट छिप गया है बाहर नहीं निकल रहा है, इस हथियार से हम क्या करते हैं। जिस अभी जस्ट आपको नगरौटा साइड में एक मिलिटेंट ट्रक में बैठा हुआ था, इसी हथियार से मार के उसको ट्रक को बर्बाद किया गया था। इसमें 9 प्रकार के राउंड फायर किए जाते हैं। जितने हथियार हैं सर, क्या बॉर्डर पर यूज होते हैं या फिर देश के अंदर? नहीं, पूरे बॉर्डर पर। ये दुश्मन के अगर बंकर है, दूर से हम इसको बर्बाद कर सकते हैं। 700-800 मीटर दूर पर अगर दुश्मन का बंकर है तो इसमें HE-80 आता है। वो बंकर को क्या करता है, उसके सीमेंटेड दीवार को तोड़ देता है। इसमें इतनी शक्ति होता है कि इसके दीवार को तोड़ देता है। एक बार में कितनी राउंड फायरिंग हो सकती है, कितने मिनट में कितनी? ये 6 राउंड प्रति मिनट है। इस हथियार से हम 6 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकते हैं। आता है 3.1 kg, 1 राउंड का वेट होता है। ये एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर है जो कि अगर आप क्षेत्र के अंदर कोई ऐसे आतंकवादी या फिर ऐसे गतिविधि वाले लोग होते हैं उनको पे यूज किया जाता है, और पूरी तरह से उसे अंडर कैप्चर करने के बाद। इसमें खूबी है कि ये रात के समय उजाला भी देख सकते हैं, इससे हम हिल फायर कर सकते हैं। दिन के समय धुआं का पर्दा बना सकते हैं। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के राउंड फायर करते हैं। दुश्मन के टैंक को बर्बाद करना है इस हथियार से कर सकते हैं, या बंकर को। अगर दुश्मन के कोई ट्रूप्स एडवांस करते हुए आ रहा है, या कहीं इकट्ठा बैठा हुआ है, या कहीं पीछे रेड ग्राउंड में छिपा हुआ है, इस हथियार से हम बर्बाद कर सकते हैं। काफी खूबियों भरा वो रॉकेट लॉन्चर है। जिस तरह से भारत की छवि और भारत का व्यक्तित्व जिस तरह से निखर रहा है पूरे देश में, आप देख सकते हैं यहाँ हथियारों का एक जखीरा है जो कि दिखाया जा रहा है एनसीसी जवानों को किस तरह से हथियार कैसे यूज किए जाते हैं। ये स्टेन गंज हम आपको दिखाएंगे, ये स्टेन गंज है, किस तरह से यूज करते हैं वो तमाम तरह के। देखिए हमारे पीछे कुछ और हथियार हैं, आप देख सकते हैं ये हथियार हमारे पीछे, इस हथियार का नाम क्या है ये हम बात करते हैं। ये देखिए जो बॉर्डर पे जो यूज किए जाते हैं वो हथियार वैसे हथियार है, काफी वजनदार हथियार है। एनसीसी कैडरों के लिए सिखाने के दौरान इन हथियारों का यूज किया जाता है। सर ये कौन से हथियार है और किस यूज में आते हैं सर? इंसास UBGL है सर। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इस हथियार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायर किया जाता है। डायरेक्ट यानी कहीं ट्रूप दुश्मन बैठा हुआ है उसके ऊपर हम डायरेक्ट शीश लेके फायर कर सकते हैं। कितने रेंज है इसकी? इसका रेंज अलग अलग है, डायरेक्ट रेंज अलग है, इनडायरेक्ट रेंज अलग है। 50 मीटर से लेकर 300 मीटर तक डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट 200 मीटर से 300 मीटर तक है।
ग्रेनेड फायर होता है, यहाँ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं हथियार को किस तरह से ग्रेनेड फायर है यहाँ पे लगाई जाती है, और एक बार में एक गोली 50 मीटर की दूरी में अगर कोई भी दुश्मन छिपे हैं, 50 मीटर से नीचे हम फायर नहीं कर सकते, अगर 50 मीटर से कम रेंज है तो हम फायर नहीं कर सकते हैं सेफ्टी के लिहाज से। 50 मीटर से ऊपर के अगर कोई रेंज में दुश्मन छिपे हैं तो इस हथियार का यूज किया जाता है। उस तरह के तमाम हथियार आप देख सकते हैं, ये देखिए AK-47 तो आप नाम सुन, 7.62 AK-47 ये हथियार है, किस यूज में आता है ये हम बात करते हैं, किस यूज में, किस तरह वेपन है या सीक्यूबी रोल में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इस राउंड आते हैं, ठीक है, ये इसका चेंज लीवर पोजिशन होता है, ये अभी क्या है सिंगल शॉट फायर करने करेगा, यानी अगर सिंगल शॉट पे करते हैं यानी एक बार ट्रिगर प्रेस करने पे एक राउंड निकालता है, इस तरह से अगर सिंगल शॉट करता है तो एक मिनट में 40 राउंड निकाल सकता है, लेकिन इसी को अगर चेंज लीवर के पोजीशन को हम ए पर कर देते हैं यानी ऑटोमेटिक फायर करेगा, यानी एक बार आपने ट्रिगर प्रेस किया तो मैगजीन की पूरी राउंड खाली हो जाती है, तो इस तरह से क्या होता है एक मिनट के अंदर ये 120 राउंड फायर कर सकता है। कितने वजन का और कितने दूरी रेंज का ये 3.15 इसका केजी वेट है और इसका कारगर रेंज है 400 मीटर, यानी 400 मीटर तक दुश्मन को कैजुअल्टी कर सकता है, तो राउंड है ऐसे 3300 मीटर तक जा सकता है। मैगजीन में क्या है 30 राउंड आते हैं, 30 राउंड भरने उसके बाद इसको कर दिया, अभी ये सेफ पोजीशन पे है, जैसे ही इसको हम कर दिए और राइफल को कॉक, ठीक है, अब फायर करने के लिए तैयार है, बट इसका अगर हम कॉक किए हैं और सेफ पे कर दिए तो अभी फायर ट्रिगर प्रेस करने से फायर नहीं करे, यानी सेफ पोजीशन पे है। और भी काफी तरह के हथियार यहाँ जो लगाए गए हैं प्रदर्शनी में एनसीसी कैडेटों के लिए, आइए हम और उनसे ही बात करेंगे। एक और हमारे पीछे सर, इनकी क्या यूज है और किस तरह का ये हथियार है सर, कितना रेंज है? 5.56 mm इंसास राइफल है जो इंडिया का बना हुआ है, इसका इफेक्टिव रेंज है 400 मीटर, ये जो है इसके अंदर 20 राउंड आते हैं, अगर हम इसको एस से आर पर करके ट्रिगर प्रेस करते हैं तो एक राउंड फायर होता है, इसका नॉर्मल रेट ऑफ फायर 60 राउंड पर मिनट, अगर हम इसको बी पर करके फायर करते हैं जो कि टीआरबी फायर होता है, 90 राउंड पर मिनट फायर होता है, अगर हम इसको इंटेंस फायर करते हैं लगातार तो 150 राउंड पर मिनट, अगर इसके ऊपर बेल्ट चढ़ा के अगर इसको फायर किया जाए तो इसकी साइक्लिक रेट ऑफ फायर 600 से 650 राउंड पर मिनट होती है। कितने वजन की होती है और इसे क्या यूज करते हैं बॉर्डर पे जो हमारे जवान होते हैं, इसी हथियार का यूज करते हैं? इसी हथियार का यूज करते हैं, इंसास राइफल का, इंसास राइफल का। या हमारे दुश्मनों को अगर छक्के छुड़ाने हो तो कैसे यूज करेंगे आप इसे? ये जो है जब दुश्मन आता है तो जो हमारा जो एम है इस तरह से हम उसको शिस्त लेकर के उसके ऊपर फायर करते हैं। तमाम हथियारों का लगा है प्रदर्शनी, चूंकि एनसीसी स्थापना दिवस का अवसर है और ऐसे मौके पे एनसीसी के तमाम जवानों को एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ, उन्हें एक नया हौसला बुलंद करने के लिए एनसीसी के जितना भी कमांडर हैं वो तमाम लोग लगे हैं, ताकि वही एनसीसी आगे चलकर भारत और देश की सेवा करे। अपने सहयोगी के साथ मैं हूं अमित खत्री, सौर भारत। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना। कुमार होम्स आए और एलसीडी टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, बेड, सोफा और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सर। कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना सिटी।